ప్రతి విషయంలోనూ తమను పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్ తో కలిపి పోల్చడం తగదన్నారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తమ దేశభక్తిపై అనుమానాలు అక్కర్లేదన్నారు తమను అవమానించేలా మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై ఆయన ఇలా స్పందించారు ఉత్తరప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ఓవైసీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు ये क्या हाल है। अच्छा मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रस्तान है, मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कब्रस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रस्तान में होता पुराना कब्रस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रस्तान को पाकिस्तान का कब्रस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोग को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग, क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है? जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बे इज्नल्लाह, तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे,